अपने आत्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए, तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत इस अज्ञान रूपी इस गुत्थी को तत्वज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा काट कर, अर्थात उस तत्वज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा समझ इसको बिल्कुल साफ करके निर्बाध करके, जब ज्ञान आपको तत्व ज्ञान हो जाएगा वो बिल्कुल पूरी रूप से सृष्टि रचना समझ में आ जाएगी, हम किस लिए यहाँ आए हैं, कैसे फंस गए यहाँ पर, हमारी जन्म मृत्यु हो रही है, आज हम संतान और संपत्ति में कितने व्यवस्थित हैं और बड़ा आनंद महसूस कर रहे थे, हम बेशक दुखी भी हैं, और अपनी संतान के लिए और अपनी संपत्ति को जोड़ने के लिए पूरा जीवन लगा देते हैं और फिर अचानक मृत्यु हो जाती है, ये क्या कारण है? तो कहते हैं इस अध्यात्म ज्ञान को अच्छी तरह समझकर उस तत्व ज्ञान से, उसके पश्चात गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा है, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, यानी उनकी जन्म और मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाती है। और गीता ज्ञानदाता कहता है कि उसी परमेश्वर से, उसी परम अक्षर ब्रह्म से संसार रूपी वृक्ष की परिवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात सभी ब्रह्मांडों की रचना भी उसी परमेश्वर ने, परम अक्षर ब्रह्म ने की है, और केवल उसी परमात्मा की शरण में रहना चाहिए, उसी की भक्ति करनी चाहिए जिससे तुम्हारी जन्म और मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। अब गीता ज्ञानदाता अपनी सतीथि बताता है चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, गीताजी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीताजी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, और गीताजी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में, उसमें स्पष्ट किया है। अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कहा कि अर्जुन मेरी उत्पत्ति को, अर्थात मेरे जन्म को न तो ऋषि लोग जानते और न ये देवता जानते, ना ये सिद्ध जानते, क्योंकि ये सब मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं। अपने आत्मा अपने पिता की उत्पत्ति संतान नहीं जान सकती, लेकिन दादाजी बता देता है उस पिता अपने पुत्र के यानी संतान के पिता की डेट ऑफ बर्थ भी बता देगा। इसी प्रकार ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये देवता ब्रह्मा विष्णु महेश जी और अन्य सिद्ध पुरुष या जितने भी ऋषि महर्षि हैं, ये सब मेरे से उत्पन्न हुए हैं इस 21 ब्रह्मांड के अंदर, ये मेरी उत्पत्ति को नहीं जानते। इससे एक तो ये सिद्ध हो गया कि इसका जन्म तो हुआ है, गीता ज्ञानदाता जो बोल रहा है, जो श्री कृष्ण में बोल रहा है, श्री कृष्ण का जन्म तो वेल नोन है, सभी को पता है देवकी गर्भ से हुए, लेकिन श्री कृष्ण में वो बोल रहा था, काल बोल रहा है, ये सर्वपुरुष बोल रहा है। अध्याय नंबर 2 में ये कहता है कि अर्जुन ये ना समझ के तू और मैं और ये सभी सेना पहले ना जन्मे थे, और ऐसा भी ना सोच के हम आगे जन्म ना होगा, अर्थात हमारी पहले भी जन्म मृत्यु थी, आगे भी होगी, और वर्तमान में हम जन्मे हैं तो मृत्यु होगी ही होगी। फिर गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में कहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। अब कर्म तो इसके न्यू अलौकिक है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके महाभारत का युद्ध करवा दिया और गीता का ज्ञान दे दिया, स्वयं सामने आता नहीं। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24 और 25 में ये कहता है कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, मैं किसी के समक्ष नहीं आता अपने वास्तविक रूप में,
और ये मूर्ख जन समुदाय, ये सैनिक मुझे कृष्ण मान रहे होंगे। आई एम नॉट कृष्ण, मैं व्यक्ति रूप में नहीं प्रकट होता, मुझे अव्यक्त को ये व्यक्तिम आपनम मनन्ते, मुझे ये व्यक्ति रूप में कृष्ण मान रहे हैं, मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं तो इसके अंदर बोल रहा हूँ और अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। मैं कभी किसी के समक्ष अपने यथार्थ रूप से नहीं आता। इस प्रकार इसके कर्म अलौकिक हैं। जैसे पुरुकुत्स के अंदर प्रवेश करके इसने उनका जो है गंधर्व का नाश कर दिया। पुरुकुत्स नामक एक अक्षत्रिय राजा के शरीर में प्रवेश करके ये काल इसने फिर सब गंधर्व को मार डाला। फिर पुरंजय के शरीर में प्रवेश करके इसने राक्षसों को मार डाला, देवताओं के पक्ष में खड़ा हो करके। तो ऐसे इसके कर्म अलौकिक हैं। ये कहता मैं जन्मता मरता तो हूँ, पहले भी बहुत बार मर चुका, तू भी मैं भी, यानी अविनाशी नहीं हम। गीता ज्ञानदाता कहता है अर्जुन तू और मैं, हमारे तो जन्म मृत्यु बहुत बार हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता। तो इसे सिद्ध हो गया कि इसकी साधना से, जब ये स्वयं ही जन्म मृत्यु में है तो इसके साधक सदा के लिए जन्म मृत्यु से कैसे छूट सकते, संसार में कैसे नहीं आ सकते। अर्थात इनके साधक ब्रह्म तक के उपासक भी जन्म और मृत्यु में रहते हैं। इसका विशेष प्रमाण और दिया है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्म लोक पर्यंत ये सभी लोक पुनरावृत्ति में हैं। पुनरावृत्ति का अर्थ है वहाँ गए हुए साधक भी पुनः लौटकर, पुनः क्षीण होने पर पुनः लौटकर जन्म मृत्यु में आते हैं। तो इसे सिद्ध हो गया कि वो फिर सदा के लिए मोक्ष नहीं प्राप्त कर सके। ब्रह्म साधक भी, सर्वपुरुष के साधक भी, इसलिए गीता ज्ञानदाता कहता है 15वें अध्याय के 4 श्लोक में, जब तत्वदर्शी संत प्राप्त हो जाए उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते हैं। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है और मैं भी उसी की शरण में हूँ, उसको छोड़कर किसी और की भक्ति नहीं करनी चाहिए। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 और 66 में भी यही प्रमाण किया है। अध्याय नंबर 18 के 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, परम शांति तभी होगी जब हम जन्म मृत्यु से छुटकारा पाकर सतलोक में रहेंगे, कभी मरण नहीं होगा, वहाँ बुढ़ापा नहीं है और हमारा शरीर का मेटेरियल भी भिन्न है जिसमें कोई रोग नहीं, अनामय, और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कह रहा है कि उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को, ओए होए, यानी उस अमर लोक को, शाश्वतम शथानम, शाश्वत माने कभी नष्ट न होने वाला, कभी अंत ना होने वाला लोक, यानी सतलोक को प्राप्त हो जाओगे। अब गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में इन्होंने फिर गड़बड़ कर दी अनुवादकर्ताओं ने। अब इन्होंने यही सोच रखा था कि भगवान श्री कृष्ण इज ए सुप्रीम पावर, कंप्लीट गॉड, और भगवान श्री कृष्ण इज विष्णु, ये भी मानते रहे ये, और फिर ये कहते रहे कि ये श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी ये अविनाशी है, जबकि ये स्वयं स्वीकार करते हैं कि हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। श्रीमद् देवी भागवत 3 स्कंद में गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र मोटा टाइप के 123 पृष्ठ पर श्री विष्णु जी कहते हैं कि हे माता तुम शुद्ध स्वरूपा हो और ये सारा संसार तुम इसे आपसे उद्भासित हो रहा है,
मैं शंकर और ब्रह्मा हम आपकी कृपा से विद्यमान है, हमारा जन्म और मृत्यु होता है, आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है, हम तो नाशवान हैं। और श्री शंकर भगवान कहते हैं कि माता जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी आपसे उत्पन्न हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाला मैं भी आपका ही बालक हुआ। तो जिस कारण से इन्होंने यही समझा कि श्री कृष्ण जी को इन्होंने सुप्रीम गॉड मान रखा था, सुप्रीम पावर नहीं, श्री कृष्ण जी की सती थी केवल एक ब्रह्मांड में, एक विभागीय मंत्री की है, ये सतोगुण विभाग के स्वामी हैं, प्रभु हैं विष्णु जी, और एक ब्रह्मांड में ये तीन मंत्री एक समांतर शक्ति वाले हैं, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, और ये एक एक विभाग के अधिपति हैं, रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी, तमगुण विभाग के शंकर जी, शिव जी, और ये सर्वेश्वर नहीं है, इनका पिता जो है ये ब्रह्म है, इनका पिता है ब्रह्मा विष्णु में, इसका ये 21 ब्रह्मांड का ही स्वामी है, इससे अधिक नहीं है, उसका भी नाश होता है और इनका भी जन्म मृत्यु होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी का। तो गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में इन्होंने फिर गलती कर दी। अब गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि अर्जुन यदि तूने उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाना है और जन्म मृत्यु से सदा के लिए छुटकारा पाना है तो सर्वधर्मान परित्यजमाम, मेरे सतर की सभी पूजाओं को मुझ में छोड़ दे, मुझे दे दे, एकम शरणम वर्ज, एकम शरणम वर्ज, मेरे सतर की सभी पूजाएं मुझे छोड़, मुझे दे दे, एकम शरणम वर्ज, एकम माने जिसके समांतर दूसरा ना हो, अद्वितीय सर्वशक्तिमान एकम, उस सर्वशक्तिमान की शरण में, परम अक्षर ब्रह्म की शरण में वर्ज माने जा। और इन्होंने अज्ञानतावश वर्ज का अर्थ कर रखा है मेरी शरण में आ जा। कारण क्या रहा कि इनकी बुद्धि विचलित रही, तत्व ज्ञान से अपरिचित रहे, तत्व ज्ञान इनको प्राप्त हुआ नहीं, जिस कारण से इन अनमोल ग्रंथों के अर्थों का इन्होंने अनर्थ कर डाला। तो यहां ये गीता ज्ञान दाता कहता है कि सर्वधर्मान परितज माम एकम शरणम वर्ज, अहम तवा सर्व पापे भो मुक्षामी मा सुच। अब ये कहता है कि मैं तुझे सब पापों से, सब दुखों से, पाप माने दुख, और दुख क्या है यहां पर, गधे कुत्ते सूर बनाना, 84 लाख योनियों में धक्के खाना, मनुष्य शरीर भी उन्हीं 84 लाख योनियों में से एक शरीर है, बॉडी है, इसमें कोई प्राणी सुखी नहीं है। यदि आज ही संसारिक सुख को ये सुख मान करके सोच रहा है कि मैं स्वस्थ भी हूँ, संतान भी ठीक है, कल ना जाने के बिजली गिर जाए इस गंदे लोक में, तो फिर काहे का सुख है यहाँ पर। और जिन सुविधाओं को हम अपनी मान रहे हैं, कार, कोठी, संपत्ति, ये एक मिनट में मृत्यु हो जाए, फिर कहाँ अपनी, चूहा बनकर घुसे फिर कितने बिल में। तो यहां ये बताना चाहा है कि ये इन सभी दुख हम क्यों पा रहे हैं, क्योंकि हमने ब्रह्म साधना की, इन ऋषि महर्षियों ने सबसे पहले वेदों से जो जानकारी ब्रह्मा से प्राप्त हुई, ब्रह्मा जी ने ओम नाम बता दिया इनको, कि वेदों में यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में लिखा कि ओम कर्तु समर किल्वे समर और कर्तुम समर, वायु अनिलम अथ इदम बसमांतम शरीरम, बसमांतम शरीरम माने जब शरीर का अंत होगा, यानी तू तो शरीर छोड़कर जाएगा, उस समय तक इस ओम नाम का जाप करता रहे, काम करते करते सिमन कर, ओम कर्तु समर, कर्तु माने काम करते करते, और किल्वे समर, किल्वे माने विशेष कसक के साथ,
औपचारिकता से नहीं, और कर्तव्य माने अपना परम कर्तव्य जान कहे कि मनुष्य जीवन केवल परमात्मा पाने और भक्ति मोक्ष कराने के लिए ही प्राप्त हुआ है, इस उद्देश्य से तो अत्यधिक समय लगा। लेकिन इन यहाँ से ब्रह्मा जी ने और अन्य ऋषि महर्षियों ने ओम नाम तो ले लिया, और ब्रह्म जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में, यानी यजुर्वेद का अंतिम मंत्र है, उसमें स्पष्ट कर दिया है वेद ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, सर्वपुरुष है, जो गीता ज्ञान दाता है श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान दे रहा है, वही ये वेदों का ज्ञान अब दे रहा है, परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को सुना रहा है। ये कहता है कि पूर्ण परमात्मा तो ऊपर प्रोक्स है, वो तो गुप्त है, जैसे संसार रूपी वृक्ष की जड़ें पृथ्वी के अंदर प्रोक्स होती हैं, गुप्त होती हैं, ऐसे वो पूर्ण परमात्मा तो ऊपर प्रोक्स है, और मैं ब्रह्म हूँ, और मैं खम ब्रह्म, अहम खम ब्रह्म ओम, मेरा ओम नाम है, और मैं अंतरिक्ष में ब्रह्म लोक में ब्रह्म लोक रूपी उस अंतरिक्ष में मैं रहता हूँ, और वो परमात्मा तो अलग है, वो तो प्रोक्स है। अब यहाँ ये दो भगवान हैं, ये भी ब्रह्मा जी का समझ में ना आए, ना ऋषि में ऋषियों का समझ में आई, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा आकर बताता है, वो तत्व ज्ञान है, उस वो अपने मुखारविंद से बोलता है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। यानी गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 और 34 दोनों मिलकर के इस कंसेप्ट क्लियर होता है। श्रीमद् भगवद गीता जी के अध्याय नंबर 32 और 34 में जो निर्णायक ज्ञान है वो ये है कि परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म स्वयं ही अपने मुखारविंद से तत्व ज्ञान को बोलता है, और वो तत्व ज्ञान कहलाता है, उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, और वो तत्वदर्शी संत फिर तुझे उस परमात्मा तत्व का ज्ञान कराऊंगे। और यही यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 मंत्र नंबर 10 से लेकर 13 में स्पष्ट किया है। वेद ज्ञान दाता कहता है कि कोई तो परमात्मा को संभवात मानता, संभवात माने जो जन्म लेता है श्री राम कृष्णाधि के रूप में, और कोई मानता है असंभवात यानी वो कदे जन्म नहीं लेता, निराकार मानते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि इस वो परमात्मा जन्म लेता है या नहीं लेता है, वो निराकार है या साकार है, इसकी जानकारी भी तत्वदर्शी संत बताते हैं, धीराणाम। धीराणाम माने तत्वदर्शी संत जिनका ज्ञान टिकाऊ हो, और उनसे सुनो। अब परमात्मा कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंधरे, दिखत के तो निर्णय चम इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये दिखत महर्षि और बड़े बड़े विद्वान संस्कृत ने घोटालाए बैठे थे, और कैखे नहीं पता था भगवान के बारे में अध्यात्म का, ना वेदों का ज्ञान था इनको। अब परमात्मा कहते हैं इनका मोतियाबिंद था, जैसे किसी का मोतियाबिंद हो जावे उसकी आँखें बहुत स्वस्थ दिखाई देती हैं, स्वस्थ। आम व्यक्ति तो इन्होंने सोचा इसने गणाए दिखता होगा, और उसने दिखता कोई ना कुछ भी, वो तो निपटंधा होता है। तो इसी प्रकार ये संस्कृत भाषा के जानने वाले हमने मूर्ख बना गए हमारे पूर्वजन आज ताई। हम नो सोचा करते ये संस्कृत भाषा को जानने वाले हैं, वेद और गीता और पुराण ये सभी संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध हैं, तो हमने ये मान लिया ये विद्वान पुरुष हैं और इन्होंने ग्रंथों को सही जाना है, और जो ये हमें मौखिक ज्ञान सुना रहे हमारी लैंग्वेज में यह सही है, हमने फाइनल कर लिया। अब परमात्मा कहते हैं ये तो इन कदम मोतिया बिंद हो रहा था, और हमने तो ये दिखे थे आँखें वाले थे अंधे, हमने भी ले गए खड्डा मर आप भी डूब मरे, हमारे पूर्व सारे भूत बना दिए अपने को, उनके श्राद्ध निकालो, हुआ पहले भूत बनवाए अरे दोसर कर दिए कि ईब उनके श्राद्ध निकालो, पेट भरनिया ने ये और काम चला दिया। तो यहाँ यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से 13 में स्पष्ट किया हुआ है
कि उस परमात्मा के बारे में सही जानकारी तो तत्वदर्शी संत बताएंगे, विद्वान पुरुष जिनका ज्ञान टिकाऊ हो। फिर विद्वान और अविद्वान की परिभाषा क्लियर करी है, इसमें स्पष्ट किया है यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के ही मंत्र नंबर 11 से लेकर 13 तक कि कोई तो जिसने अक्षर ज्ञान हो गया उसको विद्वान कह देते हैं। जैसे किसी ने संस्कृत भाषा आती है तो उसको विद्वान कहने लग गए, मैं ऋषि। और जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है उसको अविद्वान कहने लगे कि ये तो अविद्वान है, इसको अक्षर ज्ञान नहीं है, ये शिक्षित नहीं है। यानी शिक्षित को तो अक्षर ज्ञान वाले को तो विद्वान कहने लग गए और अशिक्षित को अविद्वान, इतनी सी परिभाषा बना ली। कहते हैं विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत ही बतावेगा, उनसे सुनो। आए हाय अपने आत्माओं, हम इन ऋषि महर्षियों को, एक इस कलियुगी महर्षि दानंद को और ये सतयुग के ब्राह्मणों को, ब्रह्मा तक को, हम सभी इनको विद्वान मानते थे क्योंकि ये संस्कृत भाषा जानते थे। और परमेश्वर कबीर जी पूर्ण परमात्मा आए थे 600 वर्ष पहले, जब बनारस में काशी में प्रगट हुए थे बालक रूप धारण करके, शिशु रूप धारण करके लीला में तरीके से बड़े हुए। फिर अपनी अमृतवाणी में पवित्र चारों वेदों सहित और 18 पुराण सारे उपनिषद जो इन्होंने बांट रखे थे नकलिया ने, उन सब का ज्ञान दे करके फिर उनको रिजेक्ट किया कि ये गलत है, ये ऐसा ऐसा बताते हैं। और फिर ज्ञान दिया कि ये ऐसा है, भगवान ऐसा है, ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है और इस ब्रह्म की उत्पत्ति कैसे हुई थी परमात्मा ने सारी बताई, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता कौन है, इनका पिता कौन है। आज से 600 वर्ष पहले परमेश्वर ने अपनी उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में लिपिबद्ध कर रखा है और पूरी जानकारी दे रखी इन मंत्रों की, जिनको आज तक ये नहीं समझ सके। तो अब ये कबीर परमेश्वर जी को तो मूर्ख बताता था, महर्षि दानंद सत्यार प्रकाश के 11वें समुल्लास में कबीर जी के बारे में बताया है कि वो तो तंबूरे लेकर गाता था, ऊट पटांग भाषा बनाता था। कई ब्राह्मणों के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए गया, उन्होंने शिक्षा नहीं दी और वो कई दुल्हे जैसे नीच मूर्ख उसके जाल में फंस गए। और जबकि वेद बताते हैं वो परमात्मा कहीं भी खड़ा होकर के अपनी अमृतवाणी को ऊंचे स्वर में उच्चारित करता है कविताओं के माध्यम से, और वो परमात्मा होता है। तो ये अज्ञानी थे, ये थे वो फिरामोतिया बंदरे, ये दिखे थे विद्वान क्योंकि संस्कृत भाषा से ही अपने आप को विद्वान बना बैठे और केवल संस्कृत के जानने से महर्षि की पदवी पा गए। देखो विद्वान एक भाषा से नहीं, अध्यात्म ज्ञान से, क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग में जो विद्वान और अविद्वान है वो तत्व ज्ञान जिसके पास है वो विद्वान है, चाहे उसको अक्षर ज्ञान है या नहीं है। तो कबीर परमेश्वर 600 वर्ष पहले अपनी सिंपल लैंग्वेज में ये बोला करते थे। और एक धर्मदास नाम के महापुरुष ने, परमात्मा का जो शिष्य हुआ था, उन्होंने लिखा था, वो आज हमारे पास है। तो वो अशिक्षित यानी अक्षर ज्ञान नहीं था परमेश्वर को, वैसे तो वो सर्वज्ञ हैं, वो जानी जान है, सब भाषाओं से परिचित हैं, लेकिन परमेश्वर ने ये भी एक लीला करनी अनिवार्य समझी थी कि अक्षर ज्ञान ना हो और फिर मैं वेद बताऊं सारा, इन वेदों और ग्रंथों का, तभी तो मैं पहचाना जाऊंगा कि आई एम गॉड। अगर परमात्मा उस समय शिक्षा भी ग्रहण कर लेते तो ये नकली नो कहेंगे उनने ज्ञान पढ़ लिया था और वेद पढ़ लिए होंगे, लेकिन वेद तो बाद की बात है, परमात्मा ने तो पहले ही अपने उसमें सिंपल लैंग्वेज में वेदों का यथार्थ ज्ञान, गीता जी का यथार्थ ज्ञान। और जहाँ वेद और गीता ये कहकर छोड़ देते हैं कि वो ज्ञान कोई तत्वदर्शी संत बताएगा, वो ज्ञान भी कबीर जी की वाणी में, वेद लास्ट में कह देते हैं हमने जो ये ज्ञान दिया है नेति नेति नैति, इतना ही नहीं है उस परमेश्वर का। तो वो ज्ञान
उस ज्ञान कंप्लीट ज्ञान को, कंप्लीट यानी पूर्ण ज्ञान को देने के लिए परमेश्वर स्वयं ही आते हैं। अब प्रसंग चल रहा है कि इन अज्ञानियों ने, तत्व ज्ञान नेत्रहीनों ने पूरे मानव समाज को गुमराह कर दिया। ये अपने सिलेबस से भी परिचित नहीं थे। हम विद्यार्थी हैं, आप विद्यार्थी हैं जो परमात्मा की खोज में आए हो, जिन्होंने उपदेश कहीं ना कहीं किसी संत पंथ से लिया है। और गुरु टीचर होता है, गुरु कहो टीचर कहो, ये आध्यात्मिक शब्द इसलिए लगाया जाता है क्योंकि यहाँ आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है। एक अक्षर ज्ञान के टीचर होते हैं, वो भी गुरु होते हैं। टीचर माने शिक्षा देने वाला। एक मोटरसाइकिल चलानी सिखा वो भी टीचर है, एक मैकेनिक है वो भी टीचर है, वो अपने उस जॉब का, उस वर्क का प्रोसीजर से परिचित है। तो यहाँ आध्यात्मिक जो गुरु होता है, एक अक्षर ज्ञान कराने वाले जो शिक्षा के गुरु होते हैं, वो टीचर जो है अपने सिलेबस से भी परिचित नहीं है, तो गुगु है वो, क्या का टीचर है वो, चाहे कितनी जो है ना इंग्लिश बोलता हो, और इंग्लिश की जो सिलेबस है उससे परिचित नहीं है, वो टीचर ठीक नहीं, वो तो दुश्मन है, शत्रु है उन विद्यार्थियों का। तो ऐसी ही भूमिका इन अक्षर ज्ञान प्राप्त यानी संस्कृत के ज्ञाताओं ने हमारे साथ कर दी। ये अपने वेदों और गीता से परिचित नहीं थे, और वेदों और गीता और पुराणों का नाम लेकर के इन्होंने हमें लोक वेद सुना दिया, दंत कथा। अब लोक वेद क्या था कि ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, मृत्युंजय कालज्ञ सर्वशक्तिमान हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती है, सर्वेश्वर हैं। यो था लोक वेद। और जो सदग्रंथों का ज्ञान, वो क्या बताता है कि ये नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं, ये है सिलेबस का ज्ञान, जिससे आज तक के अपने हिंदू धर्म के, पवित्र हिंदू धर्म के जो मार्गदर्शक ब्राह्मण गुरु ऋषि थे वो परिचित नहीं थे। तो वो टीचर नहीं ठीक थे, उन्होंने बट्ठा बैठा दिया हमारे सारे पूर्वजों का। शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण और ज्ञान कराते हैं, भक्ति कराते हैं, वो करते हैं, वो अपना जीवन नष्ट करते हैं। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, क्योंकि वेदों में कुछ लिखा, गीता में लिखा ओनली ओम मंत्र है मेरा, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण ये प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, और जो इसको अंतिम सांस तक सिमरण करता हुआ जाता है तो मेरे वाली जो ब्रह्म से मिलने वाली जो लाभ है, ब्रह्म गति यानी ब्रह्म लोक प्राप्त होती है, ये प्राप्त होती है। और फिर उस परमात्मा के पाणे का, परम अक्षर ब्रह्म के पाणे का 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में बता दिया, ओम तत्सती तीन निर्देश है ब्रह्म त्रिविध समर्थ है, नथिंग एल्स, केवल यही डायरेक्शन है, निर्देश माने डायरेक्शन और फाइनल फैसला। इसके बाद जो अन्य जितने भी हम मंत्र जाप करते हैं वो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण है, व्यर्थ है। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, न उनको सुख होता है, न उनकी गति होती है, न कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात व्यर्थ। इसलिए गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 24 में तुरंत कहा है कि इससे तेरे लिए अर्जुन शास्त्र ही प्रमाण है, शास्त्र को त्याग कर कोई बकवाद गढ़ता उसके नहीं सुनना। तो आज तक जो ज्ञान हमें दिया गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश अदरो अमर है, इन्हीं की पूजा करनी चाहिए, तो ये लोकवेद था। अब यहाँ थोड़ा सा हिंट देते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के, और तो स्वीकार्य हो जाएगा आपको कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है। थोड़ा संकेत देकर आगे सत्संग सुनाते हैं। ये देखिएगा श्रीमद देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। फिर से देखिएगा। अब इसके 123 पृष्ठ पर हम लेते हैं, चंद पंक्तियां बहुत कुछ निर्णय दे रही हैं। 123 पृष्ठ और तीसरा स्कंद, विष्णु जी कह रहे हैं, अपनी सतीथि बता रहे हैं, अपनी माता दुर्गा की महिमा गा रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये संसार
सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है, हमारा आविर्भाव बने जन्म और तिरोभाव बने मृत्यु। ओह, हमारा आविर्भाव बने जन्म और तिरोभाव बने मृत्यु, हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द भी याद रखना, आपको गीता जी के अंदर ये दास बताएगा फिर कि प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, वहाँ भी ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति का आपको पता चलेगा। अब यहाँ भगवान शंकर कहते हैं, भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो, सिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम। ओह, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अपनात्मा, अब ये है एक अनिवार्य स्टेप है कि समय समय पर ये प्रमाण सदग्रंथों के आपके रूबरू कराऊं, नहीं तो आप जो पहली बार ये ज्ञान सुनेगा कोई भक्तात्मा सौभाग्य से, तो वो बिदक जाएगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नाशवान बतावे। ये दास नहीं बता रहा, इनका इतिहास बता रहा है, वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। अब ये जो आसानी से आपके गले उतर जाएगी जो कहानी दास सुनाना चाह रहा था, इसलिए थोड़ा बताया, दिखाना पड़ा। अब यहां प्रसंग चल रहा है कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदर, दिखत के तो नैन चम इनके फेरा मोतिया बंदरे। अभी तक जो ब्रह्मा विष्णु महेश को अब अजरो अमर बता रहे थे ना, वो लोक वेद सुना रहे थे, इनके कोई माता पिता नहीं, ये खुद कह रहे हैं दुर्गा को, तुम हमारी माता है और हम आपसे जन्म हुआ है। इनका पिता कौन है ये भी स्पष्ट है, शिवपुराण में लिखा है और परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया कबीर जी ने 600 वर्ष पहले। तो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपनी वाणी बताया है कि धर्मदास ये जग बौराना और कोई ना जाने पद निर्वाण। ये सब विचलित है सभी समाज, भगत समाज और ऋषि महर्षि, और कोई भी निर्वाण पद से, वे ऑफ वर्शिप यानी पूर्ण मोक्ष मार्ग से कोई परिचित नहीं है। यही कारण मैं कथा पसारा और जग से कहिए एक राम ने आरा। अब मैं तुमसे कहूं चिताई त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। 600 साल पहले परमात्मा ने बताया था कि माँ अष्टंगी पिता निरंजन ये जमदारुण वंशन अंजन। फिर बताते हैं कि धर्मराय की ने भोग विलासा या दुर्गा इस काल की पत्नी है ब्रह्म की या देवी कहते हैं। फिर इन्होंने पति पत्नी व्यवहार किया तब दुर्गा को रही तब आशा, ये प्रेग्नेंट हुई और तीन पुत्र अष्टंगी जाए जाए यानी उत्पन्न किए और ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। कबीर सागर में लिखा हुआ ये प्रमाण 600 वर्ष पहले परमात्मा ने वही ज्ञान सुनाया था जो हमारे सदग्रंथों में विद्वान है और जो हमारे गुरु कहलाते थे इस हिंदू समाज के, ये नकली ये लोग वेद सुनाया करते थे। मैं अपने सिलेबस से परिचित नहीं थे ये लोग, इन्होंने हमारा बट्ठा बैठा दिया और सभी को भूत बनवा दिया, शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण करवा के, ओम नमः शिवाय, भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः, आयन नमः, पता नहीं क्या क्या मंत्र बना दिए। ये कोई मंत्र है? अब गीता जी, अब जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में थे, इन्होंने ओम नाम तो ले लिया लेकिन इनकी आंखें थी नहीं, अंधे थे, इसलिए इनको ये ज्ञान नहीं हुआ कि इस 40वें अध्याय में यजुर्वेद में
और 10 मंत्र में क्या बोला गया है कि उस परमेश्वर की सही जानकारी तो तत्वदर्शी संत बताएंगे। तो वो तत्वदर्शी संत कौन है जो वेद भी नहीं जानते, उसको उस ज्ञान को वो बताएगा। और ये जितने भी ब्राह्मण थे, ऋषि कहो ब्राह्मण कहो और ब्रह्मा विष्णु महेश कहो, ये वेदों तक ही सीमित रहे, इन वेदों को भी सही नहीं समझ सके क्योंकि तत्वदर्शी संत मिला नहीं। यदि तत्वदर्शी संत मिला होता तो ये बात आज तक बिगड़ी ना होती। ये केवल ओम नाम का जाप नहीं करते। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में 3 मंत्र बताए हैं, ओम तत् और सत। ओम इस सर्वपुरुष का, ओम सर्वपुरुष का यानी सर्वब्रह्म का, ज्योति निरंजन का, ओम इस ब्रह्म का, और तत् और सत ये सांकेतिक हैं। ये दास बताएगा, इसके अतिरिक्त कोई नहीं बता सकता, ना इस किसी को पता, पहले पता नहीं था, लेकिन इस दास से प्राप्त करके यदि कोई अपने आप गुरु बन बैठेगा वो दुश्मन है आपका, क्योंकि वो अधिकारी नहीं। अधिकारी इस पृथ्वी पर आज के दिन ये दास है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई अधिकारी नहीं। और ये मंत्र मुझसे प्राप्त करके चतुर बन के अपना उल्लू सीधा करने के लिए या आपको आपका जीवन नष्ट करने के लिए किसी को देने भी लग जाएगा वो अनधिकारी है। एक डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस ही आपके पास हो और जब आप पकड़े जाओगे किसी कारण से तो वो कति काम नहीं दे, आपको दोषी और बनाओगा। इसी प्रकार अनधिकारी से लिया हुआ उपदेश भी आपको लाभ तो छोड़ हानि और करवा दिया, क्योंकि आपने चोरी कर रखी और वो भी चोर जिसने गलत नाम, जिसने ये नाम मुझसे प्राप्त करके चुरा कर आप नाम देने लग गया, तो उससे उपदेश प्राप्त आप कर नहीं सकते। तो ये दास ये ओपनली बता नहीं सकते, ऐसे कोई बताओगा तो उसको अपराध है। परमात्मा ने आज तक इस सीक्रेसी को रखा हुआ था और स्पेशल उन महापुरुषों से भी कह दिया था जिनको उपदेश मंत्र दिया था कि अभी इसको गुप्त रखना। इसी कारण से थी आदरणीय नानक साहब जी ने कभी नहीं बताया इस मंत्र को, सतनाम को, दो अक्षर के नाम को स्वयं जाप करते थे और पूरे समाज को मना कर दिया था कि खबरदार तुमने इस मंत्र का जाप किया, क्योंकि आज तक ये सीक्रेसी रखनी थी। धर्मदास तो लाख दोहाई, ये सार नाम की तबार ना जाई, ये मूल ज्ञान बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। तो आज आप वह बिचली पीढ़ी आ गई, प्रथम चरण था कलयुग का, परमात्मा स्वयं आए थे 600 वर्ष पहले, तो उसमें सभी अशिक्षित थे, परमात्मा ने सारा ज्ञान दिया जो दास आपको उन्हीं का दिया हुआ बता रहा है, लेकिन हम नहीं समझ सके, हम बोले थे, हमने अक्षर ज्ञान था। अब परमात्मा ने अक्षर ज्ञान कराया हमारे को सबसे पहले, और ईब ये तत्व ज्ञान की नाल सीधेंगे अपने आनंद से हो जाएंगे ये, इसलिए ये बिचली पीढ़ी है। अब आपके लिए सारे खड़े हो रहे थे जिनका आज मनुष्य जीवन है पृथ्वी पर, सौभाग्यशाली प्राणी है, लेकिन जिनको ये तत्व ज्ञान और ये नाम प्राप्त है उनका तो कहना ही क्या, वो तो महापुनकर्मी प्राणी है। और जो मनुष्य जीवन प्राप्त करके नकली गुरुओं के पास फंसे पड़े हैं वो बेचारे, उनका दुर्भाग्य है उन प्राणियों का, उन नकली नामों वालों के, नकली पंथों जिनके, जिनको कह कहेगा नहीं बता रहा, वहाँ करोड़ों की संख्या में फंसे बैठे, उनको चाहिए कि इस ज्ञान को समझें। आप शिक्षित हैं, बालक थोड़े ही हो, जब हमारे सदग्रंथ बता रहे हैं कि आप किसी की लोक वेद पर विश्वास ना करना, सदग्रंथों को ही प्रमाण समझना, इन सदग्रंथों से हटकर जो ज्ञान दिया जाता है वो आउट ऑफ सिलेबस है, वो लोकवेद है। परमेश्वर कबीर जी स्वयं अपनी भूमिका बताते हुए एक दास की, एक संत की और एक भक्त की, यानी किसी एक जनसाधारण ने, एक व्यक्ति ने मानव शरीरधारी को कितने धन की जरूरत है, इससे अधिक आप चाहते हो तो काल के ही अभी झाल में आप बह रहे हो, उसके भाव में है। परमात्मा ने एक झोंपड़ी में रहा करते थे, अपना हाथ से कपड़ा बुनकर रोजी रोटी का काम करते थे, और फिर बाकी समय में जो पैसा अधिक हो जाता उसका भंडारा कर देते थे, और बाकी समय में भगवान की चर्चा करते और कराते सुनाते थे, उपदेश दिया करते थे। तो परमात्मा पाने के लिए इतना ही साजबाज बहुत है,
इससे अधिक हम प्राप्त करते हैं, कोशिश करते हैं, देखो परमात्मा दे कोई दिक्कत नहीं, आप ग्रहण करो, लेकिन भक्ति के को पीछे मत छोड़ो। और फिर उसे अधिक हम ट्राई करते हैं दिस एंड दैट वे से, वो गलत है। यानी भक्ति में बाधा करके जो धन कमाते हैं वो व्यर्थ है। भक्ति वाले काम न पूरा करके फिर अपना पेट वाला भी करे। तो यहाँ उन्होंने क्या बताया कि पीछे लग गया जाऊँ था मैं लोक वेद के साथ और रस्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। अपने आत्मा परमात्मा क्या बताते हैं कि हमारे लिए बोल रहे हैं वो कि पीछे लग गया जाऊँ था मैं लोक वेद के साथ। ऐसे दास पहले लोक वेद में श्री विष्णु जी, श्री कृष्ण जी, हनुमान जी और बाबा श्याम जी, शंकर भगवान जी को सर्वेश्वर इन्हीं को समृद्धि नहीं से अब मोक्ष मानता था। ये था लोक वेद। और जब गुरुदेव ने ये ज्ञान दिया, ये ज्ञान समझ में आया तो तुरंत त्याग दिया वो सारा लोक वेद, वो कुमार्ग था और ये सतमार्ग ग्रहण कर लिया। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि पीछे लग गया जाऊँ था मैं लोक वेद के साथ और इस भक्ति मार्ग में रस्ते में सतगुरु मिल गए, अब तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दे दिया हाथ, अब दीपक दे दिया हाथ। अब बिना दीपक के बिना गैर रोशनी के अंधेरे में कोई इधर भटक रहा है, कोई कह रहा नहीं इधर ठीक है, कोई इधर भटक रहा है। और जब हमें टॉर्च हमारे हाथ में आ जाएगी और रास्ता दिखा जाएगी ये रास्ता है, तो फिर हम उस रास्ते को नहीं छोड़ सकते क्योंकि टॉर्च है हमारे पास, हम रोशनी हमारे पास है। हम अज्ञानता से भटक रहे थे। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं तुम सभी लोक वेद के आधार से भटक रहे थे, उसके पीछे लग रहे थे। पीछे लग गया जाऊँ था मैं लोक वेद के साथ और रस्ते में यानी इस भक्ति मार्ग में सतगुरु मिल गए। सतगुरु, ओहो, गुरु गुरु शब्द ही काफ़ी है वैसे तो, लेकिन यह सतगुरु इसलिए कहना पड़ा कि ये नकली गुरु गणेश झूठे, सच्चा गुरु मिल गया, सही ज्ञान बताने वाला, और ये तत्व ज्ञान रूपी दीपक दे दिया हाथ। अब गीता ज्ञान दाता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में आप ही बता रहा है तीन प्रभु हैं, तीन पुरुष हैं, एक सर पुरुष एक अक्षर पुरुष। अब इसमें एक विशेषता है कि यह अक्षर पुरुष का अर्थ होता अविनाशी परमात्मा, लेकिन फिर भी इसको अविनाशी नहीं कहा गया। इसमें क्या बताया है कि सर पुरुष और अक्षर पुरुष ये दो भगवान प्रसिद्ध हैं और इनके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं सभी का स्थूल शरीर सब नाशवान है, जीवात्मा किसी की मृत्यु नहीं। यानी अक्षर पुरुष भी नाशवान, लेकिन अक्षर पुरुष भी कहा, इसलिए फिर इसको और डिफाइन करने के लिए, क्लियर करने के लिए फिर 17वें श्लोक में कहा, 15वें अध्याय गीता जी में, उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारते है ये लोक तरम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। ओहो, तोड़ पाड़ दिया, निचोड़ दे दिया पूरे अध्यात्म ज्ञान का। अब उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष कहो चाहे पुरुषोत्तम कहो, उत्तम माने श्रेष्ठ, पुरुष माने प्रभु, यानी पुरुषोत्तम कहो, पुरुष उत्तम यानी श्रेष्ठ, यानी वास्तव में अविनाशी और श्रेष्ठ परमात्मा तो 16वें श्लोक में, 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में वर्णित सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष से अन्य है, इनसे कोई भिन्न है। और वही परमात्मा कहा जाता है, परमात्मा पुण्यात्मा हो, एक एक शब्द का एक पंक्ति एक सेंटेंस में एक श्लोक में जितने भी अक्षर उनका अलग अलग से रहस्य है, उनका महत्व है। जैसे उत्तम पुरुष है तू अन्य, यानी श्रेष्ठ परमात्मा तो और ही है ऊपर ले दोनों से, सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष से। सर्वपुरुष कहो चाहे सर्वब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष कहो चाहे अक्षर ब्रह्म कहो, उत्तम पुरुष है तो अन्य, वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में जिसके बारे में कहा है वो परम अक्षर ब्रह्म है, उसको परम अक्षर पुरुष कहो चाहे परम अक्षर ब्रह्म कहो। और कहा कि वही परमात्मा कहा जाता है,
ओए होए, वही परमात्मा कहा जाता है। अब परमात्मा किसे कहा करे, श्रेष्ठ आत्मा जो किसी को दुख ना दे वो परमात्मा है, और किसी को गड़ काटे, किसे ठोकर मारे, किसे गधा बनावे, कुत्ते सूर बनावे, किसे बेटा मारे, किसे बेटी मारे, हैं, और कोई 36 रोग लगावे, क्या वो परमात्मा हो सकता है जिसके क्षेत्र में आप रह रहे हो। मान लीजिए आप किसी के घर में शरण ले रहे हो, हैं, आपके गुट मारे, आप चले गए रात ने रात काटने ने, और उसके आप गुट मारे और सारा धंधा करवावे, खान दे तो ना दे समय पर, तो अच्छा आदमी थोड़ा ही है। तो हम जिसके लोक में रह रहे हैं ये परमात्मा नहीं है, ये प्रभु तो है, हमारा स्वामी तो है, क्योंकि हमें रोके बैठा, हमारे से तगड़ा है, लेकिन ये परमात्मा नहीं। परमात्मा का अर्थ होता है जो दुख ना दे सुख ही सुख दे, श्रेष्ठ आत्मा। और फिर कहा कि ये लोक तरम आविष्य विवर्ती, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अवे ईश्वर है, वो है अविनाशी परमेश्वर। अब तीनों लोकों का धारण पोषण कौन करता है, वो जड़ रूपी भगवान, मूल रूपी प्रभु, सारे संसार रूपी वृक्ष को पोषण करता है। अब धारण पोषण कौन करता है हम सबका, जैसे 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता जी में कहा है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को मूल वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। अध्याय नंबर 15 का 1 से 4 का सारांश है। और जो संत इस कैसे भी विभागों को बता देता है वो तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद लौट कर फिर कभी प्राणी संसार में नहीं आते, अर्थात वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं। अब यहाँ प्रसंग आ गया है कि यह लोक धर्म आविष्य विवृति 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, यह लोक धर्म आविष्य विवृति अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी परमात्मा। अब जैसे जड़ है, मूल से पूरे पेड़ को वृक्ष को आहार प्राप्त होता है, उसी के आधारित है, ऐसे ही हम सभी उस पूर्ण परमात्मा से ही सब यहाँ सब कुछ प्राप्त हो रहा है। हम सभी को ब्रह्मा विष्णु महेश को भी उन्हीं से अपनी भक्ति शक्ति जैसी उन्होंने रखी है वही सबको दे रहा है। अब यहाँ एक शंका और उत्पन्न होती है 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं, मैं लोक वेद के कारण यानी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। कारण क्या है कि मेरे 21 ब्रह्मांड में मेरे अंतर्गत जितने भी प्राणी, चाहे वो स्थूल शरीर में हैं चाहे जीवात्मा हैं, उनसे मैं उत्तम हूँ, उनसे तगड़ा हूँ, उनका प्रभु हूँ, उनका स्वामी हूँ, इसलिए मैं लोक वेद दंत कथा सुने सुनाए ज्ञान से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ। आई एम नॉट पुरुषोत्तम, क्योंकि पुरुषोत्तम तो बता दिया 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में, वो है पुरुषोत्तम। अपने आत्मा गीताजी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा है कि सभी धर्मों को मेरे सत्र की, ब्रह्म सत्र की जो पूजा है तो मुझे दे दे, तो मैं तुझे यहाँ के सभी दुखों से, पाप माने दुख, दुख को चाहे पाप कहो, पाप से दुख होता है, इनसे मुक्त कर दूंगा, यानी कुत्ते गधे सुअर नहीं बनाऊंगा, फिर तू दोबारा जन्म नहीं पाएगा। उसके लिए क्या बताया कि मेरे सत्र की सब पूजा मुझे छोड़कर उस एकम सन्नम व्रज, या इन्होंने गलत कर रखा अनुवाद, व्रज माने अणक रखा, बहुत गलत कर दिया, अनर्थ कर दिया सदग्रंथ का। अपने आत्माओं गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता, मेरा तो एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, मुझ ब्रह्म का ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विभारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तदंदेहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, और जो इसका अंतिम श्वास तक शरीर छोड़कर जाते समय उच्चारण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, सयाति परमाम गतिम,
वो ब्रह्म से यानी ओम नाम से जो भी परम गति यानी श्रेष्ठ जो इसकी स्थिति होनी है, जो मोक्ष जितना भी लाभ होना है वो उससे प्राप्त होगा। अब ओम से जो श्रेष्ठ गति कौन सी होगी? ब्रह्म प्राप्ति। और ब्रह्म प्राप्ति वाला व्यक्ति कहाँ जाएगा? ब्रह्म लोक में। और आठवें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि ब्रह्म लोक पर्यंत ये सभी पुनरावर्ती में वहाँ गए हुए प्राणी भी फिर जन्म और मृत्यु में आते हैं, तो ये भी पूर्ण मोक्ष मार्ग नहीं हुआ। इसलिए 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविद समर्थ। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उस परम अक्षर ब्रह्म जो उत्तम पुरुषत्व अन्य है, उसकी साधना उसको पाने का और पूर्ण मोक्ष कराने का। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की पूजा का साधना का ये एक निर्देश है, फाइनल फैसला, और कोई मंत्र नहीं। अपने आत्माओं, गीता ज्ञान दाता 8वें अध्याय में अपनी साधना बताता है 5 और 7 मंत्र में कि मेरी भक्ति कर मुझे ही प्राप्त होगा, तो युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी कर। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता के साधना करने से शांति नहीं हो सकती, युद्ध तो करना ही पड़ेगा। और युद्ध जैसा भयंकर कष्ट कह में भी कोई ना अशांति, तो कहता मेरी भक्ति करनी है तो लठ बजाना ही पड़ेगा, मेरी साधना करनी है तो ये कर्म तनक करने पड़ेंगे, तो युद्ध करना ही पड़ेगा। और इससे बचना है, परम शांति चाहिए तो उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके बारे में बता दिया 8वें अध्याय के ही 8, 9, 10 श्लोक में है कि उस परमात्मा की भक्ति का नाम भी बता दिया। मंत्र के तत्वदर्शी संत बताओगा, मैं उसको पूर्ण डिटेल से नहीं बता पा रहा, ना उसको ज्ञान गीता ज्ञानदाता को। इन 3 मंत्रों को ओम तत् सत ये दास बता सकता है, इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर कोई परिचित नहीं है। और कोई परिचित हो गया है तो अधिकारी नहीं है, यदि वो फिर टांग अड़ावे रीस करे नाम देने की गुरु बनन की, तो उन ब्राह्मणों से भी बुंडा जो पहले गलती करिए। जानबूझ साची तज करे झूठ तेने और ताकि संगत है प्रभु, सपने में भी ना दे, इसे दुष्ट के दर्शन भी ना सपने में ना होने चाहिए, जो अब भी मिसगाइड करने की चेष्टा कर रहा है। और फिर मिसगाइडेड कोई हो भी रहा तो वो महामूर्ख है या फिर उसमें भक्ति नहीं चाहिए। अपने आत्माओं, 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में गीता ज्ञानदाता उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना के लिए कह रहा है, उस परम दिव्य पुरुष जो सूर्य की तरह तेजो में है यानी साकार है, सूर्य आदित्य वर्णम यानी सूर्य की तरह तेजो में है। अब सूर्य को कोई निराकार बतावे तो उसके साथ बुद्धू कोई होगा। वेद बताते हैं परमात्मा सह शरीर है, गीता जी बताती है वह सूर्य की तरह तेजो में है, चमकदार है परमात्मा, क्योंकि परमात्मा के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा है। तो यहाँ इतना एक रोमकूप की शोभा है, पूरा शरीर कितना तेजों में होगा, तो यहाँ सूर्य से ज़्यादा कोई तेजों में नहीं। इसलिए परमात्मा को समझाने के लिए सूर्य का एक उदाहरण लेना पड़ता है। तो सूर्य निराकार क्यों हो गया, तैसे भगवान साकार भी है और यहाँ प्रमाणित है। तो यहाँ क्या बताया है कि वो परम दिव्य पुरुष उसकी साधना करेगा, उस तत्वदर्शी संत से प्राप्त साधक मंत्रों से जाप से विधि से, तो उस भक्ति की शक्ति के बल से वह योग माने साधना, योगी माने साधक। अब हमने इनको योगी मान लिया जो प्राणायाम कर पेट का पानी हिलाकर ऊपर ने टांग करके हैं, और किधर कोई कार रोक दी, कितना गिरडी छाती में धर ली कोलडी बता चाट लियो, कोई साधना योगी हुआ ये तो डले डो है। तो योग का अर्थ होता है साधक, यानी जो जोड़ने और जुड़ने की चेष्टा करता है, आत्मा परमात्मा से योग चाहती है, उसे मिलन चाहती है।